फैक्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन फैक्ट्स से जुड़े मिथ्स के बारे में जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह कैंसर से रिलेटेड भी कई सारे मिथ्स हैं जो आज हम डिबंक करने वाले हैं। तो डॉक्टर, कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि बायोप्सी स्प्रेड्स कैंसर, इज दैट ट्रू? नो, बायोप्सी डज नॉट स्प्रेड कैंसर। सम ट्यूमर्स लाइक किडनी ट्यूमर या टेस्टिकुलर ट्यूमर में बायोप्सी कैन सीडिंग, कॉज सीडिंग ऑफ द ट्रैक, जहाँ पे हम लोग अवॉइड करते हैं। अदरवाइज इट इज़ क्वाइट नेसेसरी टू ट्रीट द कैंसर, विच ट्रीटमेंट इज डिसाइडेड बाय द बायोप्सी। अनदर थिंग दैट वी हैव हर्ड इज दैट शुगर एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कैन कॉज कैंसर। दिस मिथ कम्स फ्रॉम द पेट स्कैन, जहाँ पे ग्लूकोज अपटेक होता है कैंसर सेल्स में, बिकॉज दे आर हाइपर एक्टिव। बट इसका ये मानना नहीं है कि शुगर की वजह से कैंसर हो रहा है। द कैंसर सेल्स विल टेक अप वॉट एवर शुगर दे नीड, इवन इफ यूर शुगर्स आर लो, सो दैट डजेंट अप्लाई। अनदर थिंग दैट इज देयर इज मैमोग्राम, जो यूजली ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। कई लोगों का ये भी मानना है कि दैट कॉजेज कैंसर। मैमोग्राम में 4 एक्सरे के बराबर रेडिएशन दिया जाता है, जो कि काफ़ी कम है। आप ट्रांस एटलांटिक फ्लाइट में जाएंगे तो उसमें भी आपको ज़्यादा कॉस्मिक रेडिएशन मिलेगा, और मैमोग्राम 2 साल में एक बार होता है, उससे इतना कैंसर होने का चांस बढ़ता नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अनदर थिंग इज अबाउट कोकोनट वाटर, इट इज बिलीव दैट कोकोनट वाटर किल्स कैंसर सेल्स। देयर इज नो स्टडी प्रूवन टू प्रूव दैट कोकोनट वाटर और विटामिन सी और एनी आंवला और समथिंग किल्स कैंसर सेल्स। It is just a myth which is circulating around in all the cells. Some of our doctors had to give a letter because it was circulating on their name. Oh, all right. Last one. Microwave ka jo usage hai causes cancer? No. If you use the proper utensils, jo melt nahi hote hai and no chemicals going into the food, then it does not cause cancer. Oh, to agar aap microwavable utensils use karte hai, then it is completely safe. Yes. आज के ज़माने में बीमार होने पर जहां हम डॉक्टर से पहले इंटरनेट के पास भागते हैं, ऐसे टाइम्स में इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद अ क्वालिफाइड डॉक्टर। डॉक्टर निलेश, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, फॉर बस्टिंग ऑल द मिथ्स एंड टेलिंग अस अबाउट कैंसर। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।